से ठीक 31 साल पहले 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट से दहल उठी थी। 2 घंटे 10 मिनट के अंदर एक के बाद एक 12 धमाके हुए। इन धमाकों में 257 लोग मारे गए, 1300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ये उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। देश में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में RDX का इस्तेमाल हुआ था और अब एक बार फिर मुंबई में अंडरवर्ल्ड का खौफ दिखने लगा है। लेकिन इस बार डी कंपनी नहीं बल्कि पंजाब हरियाणा गिरोह के टारगेट में मायानगरी है। देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई पर राज मतलब अंडरवर्ल्ड पर राज। मुंबई का बादशाह मतलब अंडरवर्ल्ड का बादशाह। किंग ऑफ मुंबई लॉरेंस बिश्नोई। बांद्रा इलाके में सरेआम जिस तरह से बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया, उसके बाद मुंबई में एक बार फिर अंडरवर्ल्ड की आहट का अंदेशा जताया जा रहा है। जिस मुंबई पर दाऊद की बादशाहत का दावा किया जाता रहा, उस पर अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश में जुटा दिखाई दे रहा है। इस थ्योरी के पीछे की वजह पुलिस की जांच में सामने आई वो बातें हैं, जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग ने हत्याकांड को इसलिए अंजाम दिया ताकि मुंबई में उनका राज कायम हो सके और लॉरेंस बिश्नोई बने किंग ऑफ मुंबई। कहते हैं जिसने मुंबई में अपनी बादशाहत कायम कर ली, उसने अंडरवर्ल्ड के डॉन का रुतबा भी हासिल कर लिया और यही रुतबा अब लॉरेंस बिश्नोई भी हासिल करना चाहता है, जो फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे से ही जरायम की दुनिया में अपना खौफ फैलाने के लिए कभी सलमान खान को निशाने पर ले रहा है तो कभी सरेआम हत्याकांड को अंजाम दे रहा है। किंग ऑफ मुंबई बनने के लिए इस बार बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई ताकि पूरी मुंबई में ऐसा खौफ कायम किया जा सके जो दाऊद को भुलाकर लॉरेंस की दहशत से भर जाए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के ठीक बाद इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने, जिसका मतलब भी यही है कि मुंबई में अब वो क्राइम का नया आकार जिसके इशारे पर किसी की भी हत्या की जा सकती है। सोशल मीडिया पर शिबू लोंकर ने पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी भी ली, जिसमें लिखा कि सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और अनमोल बिश्नोई को टैग किया गया। पुलिस इस पोस्ट की जांच कर रही है, लेकिन दाऊद का नाम लेना मतलब मुंबई पर अपना दावा ठोक। इससे पहले सलमान खान के घर के बाहर 14 अप्रैल को फायरिंग करवाई गई थी, जिसमें सीधे तौर पर लॉरेंस का ही नाम सामने आया था। इससे पहले आई NIA की एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया था कि लॉरेंस बिश्नोई दाऊद की तरह ही अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है। डी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम 1980 के दशक में चोरी लूटपाट जैसे क्राइम करता था। इसके बाद लोकल ऑर्गेनाइज क्राइम करने लगा, धीरे धीरे अपनी डी कंपनी बनाई। 1990 के दशक तक उसकी गैंग में 500 से ज्यादा मेंबर्स बन गए। 10 से 15 साल में दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। इसमें टेरर सिंडिकेट से बड़ी मदद मिली। दाऊद ड्रग्स, टारगेट किलिंग, वसूली और टेरर सिंडिकेट चलाता है। NIA का मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई भी नॉर्थ इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड टेरर सिंडिकेट चला रहा है। उसने भी छोटे मोटे क्राइम से शुरुआत की थी, इसके बाद गैंग बनाई, जिसके बाद उसका नेटवर्क तेजी से बढ़ा है। दाऊद ने छोटा राजन की मदद से गैंग को बढ़ाया, उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड, सचिन बिश्नोई, अनिल बिश्नोई, विक्रम बराड, काला जठेड़ी, काला राणा के साथ मिलकर गैंग का नेटवर्क 13 राज्यों तक पहुंचा था और अब उसकी नजर मुंबई पर है। लॉरेंस बिश्नोई ने क्राइम की दुनिया में मारपीट और धमकी देने के साथ शुरुआत की थी, फिर कनाडा में बैठे गोल्डी बराड के साथ मिलकर नेटवर्क को बढ़ाया, जिसमें 700 से ज्यादा अपराधी अब उसके साथ सीधे जुड़े हैं और फिरौती के जरिए ही उसकी सबसे बड़ी कमाई हो रही है। लेकिन अब उसका सपना किंग ऑफ मुंबई बनने का है ताकि वो मुंबई के साथ साथ पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।